हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममून और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं एक क्विक रेसिपी। इसे आप वन पॉट वेजिटेबल राइस भी कह सकते हो। तो फिर चले इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहां पे मैंने एक पैन को हीट होने के लिए रख दिया है। जैसे ही पैन हीट हो जाएगा तो आप डाल देंगे घी। घी मैंने एक टेबलस्पून रखा है। घी की जगह आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस रेसिपी को आप घी में बनाएं। ये घी में ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो आप डाल देंगे 2 तेज़पत्ता, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, साथ में कुछ स्पाइसेस डाल देंगे, 2 छोटे टुकड़ा दालचीनी रखा है मैंने, 9 से 10 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग और 1 छोटी इलायची। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलायची को मैंने क्रश करके डाला है ताकि ये जैसे ही घी में जाए वैसे ही इसका फ्लेवर एक्टिव हो जाए। सारे स्पाइसेस को हम कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इस सारे में खुशबू आने लगेगा तो आप डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च। इसे भी हम कुछ टाइम के लिए फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है, पर आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। हरी मिर्च की क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ज़्यादा रखा है, ज़्यादा तीखा के लिए। आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप इसे कम भी कर सकते हो। जैसे ही थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो आप सारे वेजिटेबल्स को डाल देंगे। सब्जियों में लिया है मैंने आलू, गाजर, गोभी, बीन्स। सारे सब्जियों को हम घी में रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप आपकी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हो, या फिर आपको कोई भी सब्जी ज़्यादा पसंद है तो उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हो। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। सारे सब्जियों को हम घी में रोस्ट कर लेंगे ताकि सब्जियों में थोड़ा क्रंच आ जाए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मूंगफली का इस्तेमाल किया है, कच्चा मूंगफली लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने मूंगफली को इसी टाइम डाला है ताकि घी के साथ थोड़ा रोस्ट हो जाए और आगे की प्रोसेस में राइस के साथ थोड़ा पक भी जाए। इस रेसिपी में क्रंच वाला मूंगफली इतनी अच्छी नहीं लगती, बस थोड़ा सा बॉयल हो जाए तब इसका टेस्ट एनहांस करके आता है। अब ये सारे यहाँ पे फ्राई हो रहा है तो हम राइस का प्रिपेयर कर लेंगे। फ्लेम को लो पे रख देंगे। यहाँ पे मैंने राइस का मेजरमेंट इसी ग्लास में किया है, आगे पानी का मेजरमेंट भी इसी में करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर राइस को अच्छे से वॉश करके सारे स्टार्च को निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा शिमला मिर्च। इसे फ्राई होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो मैंने इसी टाइम ऐड किया है। यहाँ पर सारे सब्जी फ्राई हो चुकी है, अब इसमें हम राइस को डाल देंगे। पहले राइस को हम सब्जियों के साथ 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बस 1-2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। पानी यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास रखा है। अब इसे हम चला देंगे। चलाने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 छोटा चम्मच शक्कर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना नहीं चाहते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अब शक्कर डालने के बाद पानी में थोड़ा सा उबाल आने तक वेट करेंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तब हम पैन को कवर कर देंगे। पहले 2 मिनट हम हाई फ्लेम में इसे पकाएंगे और 5 मिनट हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 7 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर ढक्कन को हटाया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइड में थोड़ा सा पानी दिख रहा है, तो हम फ्लेम को हाई करके सारा पानी को ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि राइस के कुकिंग प्रोसेस का टाइम डिपेंड करता है कि आप कौन सा राइस का इस्तेमाल कर रहे हो। सारे राइस का कुकिंग प्रोसेस टाइम सेम नहीं होता है। अब इसे मैंने मिक्स कर दिया है, अब गैस को ऑफ कर देंगे। अब हमारा ये क्विक रेसिपी बन के तैयार। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।